क्या आप स्पाइडरमैन नो वे होम 2.0 देखना चाहते हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। वेल एक्चुअली में जो स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है वो स्पाइडरमैन नो वे होम 2.0 जैसे ही होगी। और कसम से जैसी खबरें आ रही है ना, ये स्पाइडरमैन नो वे होम से भी ज्यादा अच्छी बनेगी स्पाइडरमैन 4 मूवी। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्पाइडरमैन को ही ध्यान में रखें तो नो वे होम एक मास्टरपीस मूवी है। ऐसी मूवी पता नहीं दोबारा बन पाएगी भी कि नहीं। कई मार्वल फैंस का तो ये भी मानना है कि जो अवेंजर्स एंड गेम मूवी थी, मार्वल स्टूडियोज खुद ही उतना ज्यादा मास्टरपीस मूवी वापस से नहीं बना पाएगा। और जिस तरह स्पाइडरमैन 4 के लीक आ रहे हैं, ये स्पाइडरमैन नो वे होम को भी कच्चा पहनाने वाली है, वो भी फटा वाला। मगर तुम मन में ये तो नहीं सोच रहे कि कब से ये भड़वा आदमी बस बात को घुमा रहा है मगर जानकारी वाली बात हमें नहीं बता रहा है? और मुझे पता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन 4 के बारे में क्या जानना है, कि आखिर मूवी का टाइटल क्या होने वाला है, मूवी का प्लॉट क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात मूवी का रिलीज डेट क्या होने वाला है, क्योंकि और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, जिंदगी जीने का नया मकसद तो चाहिए। और तुम्हारे दिल की बातें मैं इसलिए इतने अच्छे तरीके से जानता हूं क्योंकि मैं भी स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा वाला फैन हूं और मेरे भी मन में सबसे पहले क्वेश्चन यही आते हैं। तो स्पाइडरमैन का चौथे पार्ट का रिलीज डेट अनाउंस हो गया है ऑफिशियली तरीके से, जो कि होने वाला है 24 जून 2026। मगर तुमने क्या ये बात नोटिस की कि इससे पहले हमें अवेंजर्स 5 मूवी देखने को मिल जाएगी जो कि 1 मई 2026 को आने वाली है? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब अवेंजर्स डूम्स डे में डॉक्टर डूम सबकी मार के चल जाएगा तो हमारे पीटर पार्कर इतना सही सलामत रहेगा कि वो अपने चौथे पार्ट पर रिटर्न कर ले अच्छे से? और जरूरी नहीं कि स्पाइडरमैन 4 में हमें अवेंजर्स डूम्स डे की बात की स्टोरी दिखाई जाए, पहले की भी दिखाई जा सकती है। जैसे कि जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई थी तो उसके बाद ही कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज हुई थी, मगर उसकी स्टोरी इन्फिनिटी वॉर के पहले की थी। मगर ऐसा सोच रहे हो तो मार्वल वाले मत करें, तो मेरे जैसे फैंस का दिल और क्या क्या टूटेगा तुम नहीं जानते, क्योंकि उस समय तक हम लोग अवेंजर्स 5 मूवी देख चुके होंगे जिसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहे होंगे। और उसी के 2 महीने बाद तुम लोग स्पाइडरमैन 4 मूवी रिलीज करोगे जिसमें डूम्स डे के पहले की स्टोरी दिखाओगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। और कुछ रूमर्स का कहना ऐसा है कि डूम्स डे में हमारा जो डॉक्टर डूम होने वाला है RDJ वाला, वो बैटल वर्ल्ड बनाकर अपना टहलने के लिए निकल जाएगा, तो हो सकता है कि जो हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को मिलेगी उधर में जो न्यूयॉर्क रहेगा वो बैटल वर्ल्ड में ही होगा। और मूवी के प्लॉट के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, मार्वल वाले इस बात को एकदम सीक्रेट रख रहे हैं, एकदम तिजोरी में छुपा के। बस इस बारे में मुझे इतना पता है कि जो हमारा स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाला है उसकी स्टार्टिंग बहुत ग्राउंडेड होगी, हमारा पीटर पार्कर मस्त कॉलेज वॉलेज जाएगा, क्या वो कॉलेज जा भी पाएगा, उसका कॉलेज होगा भी। और मूवी का एंड आते आते ये मूवी एक मल्टीवर्सल मूवी में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें हमें टोबी मैग्वायर तो नहीं लेकिन एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, क्योंकि टोबी मैग्वायर को सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा के रख रहे हैं। लेकिन विलन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ समय पहले रूमर्स थे कि इसका विलन नल होने वाला है, मगर नल विलन होगा तो ये लोग साथ ही साथ डॉक्टर डूम को कैसे दिखाएंगे, दो बड़े विलन। मगर ये बात लगभग कंफर्म मारो कि इसमें RDJ के डॉक्टर डूम का कैमियो होने वाला है, लेकिन जब वो डूम्स डे में इतने से तरीके से दिख जाएगा तो इसमें कैमियो देने क्यों आएगा? और स्पाइडरमैन के नए टाइटल को भी कंफर्म नहीं किया गया कि आखिर स्पाइडरमैन 4 मूवी का नाम क्या होने वाला है। कई फैन कास्टिंग थी कि इसका स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक नाम हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो मार्वल वाले इतना भी हार्डकोर नहीं चल जाएंगे। लेकिन कुछ रूमर्स का कहना ऐसा है कि स्पाइडरमैन 4 का नाम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हो सकता है, क्योंकि ये एक नए ट्रिलॉजी का शुरुआत करेगा। और लगे हाथ अभी मेरे चैनल का मेंबर बनने का शुरुआत कर दो। अरे सब्सक्राइबर मत देखो कि इसके 4 लाख सब्सक्राइबर है, व्यू इतने कम आते हैं, सारे सब्सक्राइबर शॉर्ट से आए हैं, इनएक्टिव है, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें न्यू सब्सक्राइबर मिलेंगे, वो भी एक्टिव वाले। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपना परिवार का ध्यान रखिए और दिखते रहिए यश 2 मूवीज।